नमस्कार, मैं दिनेश खत्री, टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दीवानों की हस्ती की कुछ व्याख्याओं को लिखा है, हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। आज जो पंक्तियां हैं वो है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये 8 पंक्तियां हैं जिसकी हम व्याख्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ की बात करते हैं, तो संदर्भ लिख देते हैं कि जो प्रस्तुत पंक्तियां है वो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित जो कविता है दीवानों की हस्ती से ली गई है, इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, उसके बाद प्रसंग की बात आती है, तो प्रसंग में लिखेंगे अपन कि इस काव्यांश में कवि प्यार की दौलत से ही संसार को भिखारी कहते हैं और फक्कड़ होते हुए भी संसार पर अपना प्यार लौटाते हैं। यानी यहाँ पंक्ति में बताया गया है कि कवि जो है वो इस संसार को भिखारी कहता है और दौलत से हीन बताता है, लेकिन कैसी दौलत है, प्यार की दौलत, प्रेम की दौलत से हीन। तो कवि है, उनके खुद के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वह संसार को क्या करते हैं, अपना प्रेम लुटाते हैं। फिर देखिए व्याख्या, कवि के अनुसार, ध्यान दीजिए, कवि के अनुसार, ध्यान दें आप, कवि के अनुसार कि ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं, यानी प्यार जो है वह इन संसार में किसी लोगों के पास नहीं है, किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं। ठीक है ना, तो कवि क्या कह रहा है, संसार है वो भिखारी है, इसने इस संसार को भिखारी बताया। क्यों बताया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके पास प्रेम नामक धन नहीं है, किंतु कवि क्या करते हैं कि अब पूरे आज़ादी से, यानी बिना किसी के रोक टोक, अपनी इच्छा से सब जगह प्रेम लुटाते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, क्योंकि वो पूरे संसार को क्या मानते हैं, अपना, इसलिए वे बंधन मुक्त है, इसलिए वो किसी के बंधन में नहीं है। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की, यानी इतना प्रेम वो बरसा रहे हैं लेकिन फिर भी वह सफल नहीं, वह सांसारिक व्यक्ति सफल व्यक्ति नहीं बन पाए, उसका उन्हें दर्द है और उसका निशान उनके हृदय पर छपा हुआ है। यह उनके लिए क्या है, असफलता है, जो उनके भार स्वरूप है। फिर कवि ने कहा है कि सही संसार में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, वे कहते हैं वे स्वयं इन बंधनों से बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा वे इसमें खुश हैं और सदा आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। तो ये हैं 8 पंक्तियों की व्याख्या, जिसका आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या फिर से वीडियो देखकर, आपको स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही होगी तो आप देख के कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर पे आ जाते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बहना क्यों कहा है। देखिए अपने पंक्तियाँ पढ़ी थी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते हैं रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो उस पंक्ति में कवि ने अपने आप को उल्लास बताया है और जाने को उन्होंने आंसू बहकर बहना बताया था, ऐसा क्यों बताया, तो उत्तर देखिए क्या है, लिखते रहिए साथ साथ में। कवि खुद के आने को उल्लास इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं खुशियाँ फैलाते हैं। ठीक है ना, कवि जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ फैलाते हैं, तथा अपने जाने को, यानी जब वो वापस जाते हैं तो उसके बारे में कहा है कि जब अपने जाने को उन्होंने क्या बताया, आंसू बनकर बह जाना बताया। क्यों बताया, क्योंकि इतनी खुशियों के बाद जब वो जाते हैं तो उनकी याद में लोगों को आंसू आने लगते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, आने को उन्होंने उल्लास बताया क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहाँ खुशियाँ फैलाते हैं, और आंसू बनकर बह जाना इसलिए कहा है क्योंकि वह इतनी खुशियों के बाद वहाँ से जाते हैं तो उनकी याद में लोगों को आंसू आने लगते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान
भार की तरह लेकर जा रहा है, क्या वह निराशा या प्रश्न है? ध्यान देखिए, दो प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो कवि कहता है कि प्रेम की दौलत संसार में, कवि है वह प्रेम की दौलत को संसार में लुटाता है। इतना प्रेम होने पर भी वह अपने आप को असफल इसलिए कहता है क्योंकि वह कभी सांसारिक व्यक्ति नहीं बन पाया, क्योंकि वह क्या नहीं बन पाया, सांसारिक व्यक्ति, यानी जिस संसार में वह रह रहा है वहाँ का होके नहीं रह पाया। यही असफलता उसके हृदय में एक निशान की तरह चुभती रहती है, किंतु वह निराश नहीं है, वह प्रसन्न है क्योंकि वह रास्ता उसने खुद चुना और वह उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराता है। तो इस प्रकार ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, आप इसे अच्छे से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, देखें, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो उत्तर देखिए, इस कविता में कवि अपने ढंग से अपना जीवन जीना तथा चारों ओर प्यार और खुशियां बांटना सबसे अच्छा लगा। यानी इस कविता में कवि का अपने ढंग से जीना, यानी मदमस्त होकर जीता था, उसे कोई चिंता नहीं थी, और दूसरा वह जहाँ कहीं भी जाता था वहाँ वो प्यार और खुशियाँ बांटता, ये बात हमको सबसे अच्छी लगी। कवि अपने जीवन की असफलता के लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराता, यह भी हमें बहुत अच्छा लगा। यानी यदि वह जीवन में असफल हुआ है तो उसने कहा ना कि असफल हुआ और ये भार है, लेकिन उसने उसका दोष किसी और को नहीं दिया, उसने कहा ये रास्ता मैंने स्वयं चुना है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। तो इस प्रकार ये तीसरे प्रश्न का आंसर है, जिसे आप अच्छे से नोट कर लें कॉपी में। और ये तीन प्रश्न थे कविता से अभ्यास प्रश्न में जो हमने किए हैं। इसके बाद आप लोग ध्यान दें तो चार पाठ हमने कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद है आप इन चार पाठों को अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मिलकर मुझसे अपना डाउट क्लियर करें। इन चार पाठों के प्रश्नोत्तर सहित आप बहुत जल्दी अभ्यास पुस्तिका भी तैयार रखें, कॉपी तैयार रखें, किसी भी समय आपकी चेक की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये है आज का काम। तो कुछ छोटे प्रश्न भी हैं कि इसके लेखक का नाम, कवि का नाम कौन है, तो आपको बताना है भगवती चरण वर्मा है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ भाषा की बात के प्रश्न भी हो सकते हैं, इस पाठ में नहीं है, जैसे एक शब्द आया था छक कर, जी भर कर, खुल कर, ऐसे शब्दों को आपको भी ध्यान रखना है। तो मैं बता देता हूँ, जिनमें कर लगा हुआ है ये सारी जो क्रियाएँ होती है ये पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जब एक काम समाप्त होकर दूसरा काम शुरू होता है उसे अपन पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने जल्द उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।